श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज मैं आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा बताऊँगा। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है वो श्री नारद जी ने देखा। तो नारद जी ने यह सब देखा और दुखी मन से जा रहे थे, तब उन्हें सनत कुमार मिले हैं। ये चार ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब चारों ने नारद जी को दुखी देखा तो पूछा कि आप दुखी क्यों हैं। तब श्री नारद जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक देखा और मैं पृथ्वी पर गया, लेकिन इस कलयुग में सभी दुखी हो गए हैं, सभी गलत काम कर रहे हैं। तब मैं घूमता घूमता श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। वहां जाके मैंने क्या देखा कि एक सुंदर युवती है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने जाकर के मैं वहां से निकला, तब उस सुंदर युवती ने कहा कि हे साधु, ठहरो, जरा ठहरो, आप मेरी चिंता का निवारण कीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि मैं रुका और भक्ति महारानी के पास गया और मैंने उन युवती से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आपके पास ये दो पुरुष लेटे हैं, वृद्ध पुरुष, ये कौन हैं। तब वो रानी, वो देवी बोली कि मैं भक्ति हूँ और ये दो वृद्ध पुरुष जो लेटे हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। तब नारद जी ने कहा कि अरे, देखने में तो ऐसा आता है कि माँ बूढ़ी होती है और बेटे जवान, लेकिन यहाँ तो बेटे वृद्ध हैं और आप जवान हैं, ऐसा कैसे। तब श्री भक्ति महारानी कहती हैं कि हाँ नारद जी, आपने ठीक कहा, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ है, मैं कर्नाटक में बड़ी हूँ, मेरा पालन हुआ है, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो वहाँ मैं खंडित हो गई, बूढ़ी हो गई। और जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आने के बाद मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध हो गए हैं। अब देखो ये कैसे लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, आप कुछ कीजिए महात्मन, इन्हें ठीक कीजिए। तब नारद जी ने ध्यान धरा और ध्यान धर कर के कहा, देवी भक्ति, ये कलयुग है, कलयुग के प्रभाव से आपके दोनों बेटे जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, और आप जब वृंदावन में आई तो दोबारा से जवान हो गई। उसका कारण यह है, आपको चाहने वाले तो इस वृंदावन में हैं, क्योंकि वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, लेकिन आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक यहां पर नहीं हैं, जिस कारण से आप बूढ़े हैं, अब भी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। तब भक्ति जी ने कहा कि तो कोई तरीका तो होगा, कुछ तो उपाय कीजिए। तब श्री नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में मंत्र फूके, वेद मंत्र का उच्चारण किया, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, लेकिन बिल्कुल भी हिले नहीं। और जब वो बिल्कुल नहीं हिले तब भगवान का ध्यान धरा है नारद जी ने, आकाशवाणी हुई है कि आप नारद जी दुखी मत होइए, कोई सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म करने से ये ठीक हो जाएंगे। तब नारद जी थोड़े संतुष्ट हुए हैं और सत्कर्म क्या होता है इसकी खोज में निकले हैं, और जब इस चीज़ की खोज में निकले तो उन्हें चार सनत कुमार ऋषि मिले हैं और जाकर के उनसे पूछा है कि आप कृपा करके बताइए कि मैं क्या सत्कर्म करूं कि भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं वो दोबारा से युवा हो जाएं और भक्ति महारानी को प्रसन्नता मिले। तब सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, आप एक काम करो, आप श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह प्रायण करो, जिसको सुनने मात्र से वो सदैव जवान रहेंगे और भक्ति भी आनंदित रहेगी। तब नारद जी कहते हैं, आपने मेरे कष्ट को, जो मैं दुखी था उसको दूर कर दिया है, तो एक काम कीजिए ना, आप ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। तब सनत कुमार जी
प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है हम ही सुनाएंगे। श्री सनत कुमार जी, नारद जी, भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य सभी श्री गंगा जी के तट पर गए हैं और हरिद्वार में आनंद तट पर वो कथा हुई है और उस कथा को सुनने के लिए भृगु, वशिष्ठ, ऋषि च्यवन, ऋषि गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय ऋषि, दत्तात्रेय, भगवान वेदव्यास अपने पुत्र शिष्यों के साथ पधारे हैं। गंगा आदि सभी नदियां भी कथा सुनने आई हैं। श्री सनकादिक ऋषि आसन पर बैठे हैं और कथा सुनाना प्रारंभ किया है और कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोबारा से तरुणावस्था को प्राप्त हुए हैं और भक्ति आनंदित हुई है। इतना ही नहीं, कथा के प्रभाव से भगवान खुद प्रकट हो गए हैं। भक्ति ने कीर्तन किया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इस तरह से भक्ति आज दुखी से सुखी हुई है और ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हुए हैं। तब भक्ति जी सनत कुमार से पूछती हैं कि मैं कलयुग में नष्ट हो गई थी, आपने श्रीमद् भगवत की कथा से सींच कर मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है, अब ये बताएं मैं कहाँ रहूं। तो देखिए, सनत कुमार बताते हैं कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली, अतः तुम धारण करके नित्य निरंतर भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो, विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो, कृष्ण भक्तों के हृदय में निवास करो। तो भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों के हृदय में रहती है। और जिनके हृदय में भक्ति रहती है वे त्रिलोकी में भी गरीब होने पर भी परम धन्य है। देखिए, अगर भक्ति हृदय में रहती है तो कैसे भी आप धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो खुद भगवान भी अपना धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भक्ति ही एकमात्र साधन है जो भगवान को बांध सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो, और श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा कहां तक कहें कि इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसे छोड़कर अन्य साधन करने से क्या लाभ है, अन्य धर्म क्यों करें जब केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो बड़ा सरल है। तो ये थी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा जो मैं आपके लेके आया। आगे भी श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की कथाएं मैं आप तक लाता रहूँगा। आज के अब कथा प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।